वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे एफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने काफ़ी कुछ थ्योरेटिकली पढ़ा समझा और हम लोगों ने देखा कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, किस तरीके से की जाती है, क्या क्या इसके फनल्स होते हैं, इसके अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं, इसके कॉस्ट क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में देखा, हम लोगों ने नीश को अच्छे तरीके से समझा कि नीश क्या होती है और नीच को सिलेक्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो उसके बाद हम लोग अब चलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थर्ड लेक्चर की तरफ। तो आज का हमारा लेक्चर है एफिलिएट मार्केटिंग, बिल्डिंग एन एफिलिएट वेबसाइट एंड ब्लॉग। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस आज के लेक्चर में हम लोग चीज़ों को थ्योरेटिकली भी समझेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। हम लोग प्रैक्टिकल वर्क करके देखेंगे। कुछ चीज़ें पिछले लेक्चर में हमारी रह गई थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था गूगल ट्रेंड्स का, तो गूगल ट्रेंड्स देखेंगे कैसे यूज़ किए जाते हैं, वेबसाइट कैसे बनाई जाती है और मच मोर। तो स्टे कनेक्टेड। अच्छा, बिल्डिंग एफिलिएट वेबसाइट और ब्लॉग। तो वेबसाइट के बारे में आपको बता दूँ कि ये वो ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा लैंडिंग पेज है, हम लोग वेबसाइट की तरह यूज़ कर रहे हैं, वैसा प्लेटफॉर्म या ऐसा लैंडिंग पेज होगा हमारा, जिधर हम लोग अपना प्रोडक्ट जाके लिस्ट करेंगे, जहाँ हम लोग अपना प्रोडक्ट लगाएंगे। तो ये ऐसा फनल हमारे यहाँ वर्क कर रहा होगा। ये एक प्रोफेशनल वे है अपने कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट करने का, कोई भी चीज़ लिस्ट करने का। तो हम लोग बाकी फनल्स के बारे में भी पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। इस जो लेक्चर है इसमें हम लोग सिर्फ अभी फिलहाल अपने एफिलिएट वेबसाइट, हम लोगों ने वेबसाइट कैसे बनानी है, इसमें कैसे कैसे हम लोगों ने इसकी लिस्टिंग करनी है, क्या क्या मामलात करने हैं, हम लोग इस चीज़ को पहले देख लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपका आज का लेक्चर भी काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा। आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। बिल्डिंग एन एफिलिएट वेबसाइट और ब्लॉग इज अ फंडामेंटल स्टेप इन एस्टैब्लिशिंग अ सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। योर वेबसाइट सर्व्स एज फाउंडेशन फॉर प्रमोटिंग एफिलिएट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट एंड अट्रैक्टिंग टारगेट ऑडियंस। हियर आर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ बिल्डिंग एन एफिलिएट वेबसाइट और ब्लॉग। अच्छा, काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि ब्लॉग क्या चीज़ है। ब्लॉग का मैं आपका बताता चलूँ कि एक स्पेसिफिक किस्म का थ्रेड होता है या एक मैसेज होता है जिसके अंदर आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, या आप कह सकते हैं जैसे फेसबुक पे पोस्ट होती है। तो वेबसाइट की जो पोस्ट होती है ना, उसे हम लोग ब्लॉग कहते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वेबसाइट जो सी है, ये आपकी वेबसाइट होगी, फेसबुक पेज हो गया, इंस्टा हो गया, आपकी ये बेसिक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग सेल्स लेके आते हैं और कन्वर्जन्स ला सकते हैं आप लोग, यानी अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। तो और ये जो वेबसाइट है, ये एक प्रोफेशनल वे है। आप लोग फेसबुक को, इंस्टा और बाकी तमाम फाइनेंस को भी यूज़ करते हुए आप सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन जो वेबसाइट है ना, ये एक प्रोफेशनल वे है अपने कोई भी प्रोडक्ट अपना एफिलिएट का बिजनेस चलाने के लिए। तो दूसरी मैंने बात ये की है कि वेबसाइट जो है, वेबसाइट की एक टारगेटेड ऑडियंस होती है। जिस तरह मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में बताया था, बल्कि आपको मैंने दोनों लेक्चर्स में ही इस चीज़ को बड़े ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कि वेबसाइट जो होती है, इसकी जो ऑडियंस होती है वो टारगेटेड होनी चाहिए। आपका फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, कोई भी आपका जो भी फनल है, आपका जिस नीच से रिलेटेड आपका फनल है, आपका उसी नीच से, वही नीच आपकी होनी चाहिए, उसी नीच की आपकी ऑडियंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कार से रिलेटेड जो है वो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं और आपकी जो ऑडियंस है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं रखती, तो आपकी ऑडियंस भी कार रिलेटेड प्रोडक्ट्स बाय करने में इंटरेस्ट रखती हो। तो उसके बाद हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग देख लेते हैं अभी से कि हम लोग डीपली हम लोग इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि हम लोग वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, उसको किस तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपनी सेलिंग के लिए। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टेप। अच्छा, तो हम लोग चलते हैं चूज अ डोमेन नेम। सबसे पहला जो हमारा स्टेप है ना, इसके अंदर हम लोगों ने अपना डोमेन नेम जो होता है वो चूज करना है। उसकी रीजन क्या है? अच्छा, नेम जो होता है ना, वो आप लोगों ने इस तरह का चूज करना है कि जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या एक जेनेरिक नेम हो उससे, क्योंकि आपका नेम जो होता है ना बड़ा अपीलिंग किस्म का होता है, वो अपील करता है। मिसाल के तौर पे मेरा मैं एक स्टोर का नेम ले लेता हूँ टॉम्स हार्डवेयर, तो अब लेकिन मैं उसके ऊपर ड्यूटी प्रोडक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। मैं उसके ऊपर वो चीज़ नहीं बेच सकता क्योंकि ये टोटली ऑपोजिट थिंग्स हैं, इसको कोई मैचअप ही नहीं है। तो वो जो डोमेन एम हो ना, वो आपके कंटेंट से रेलिवेंट होना चाहिए, कंटेंट से मतलब मिलता जुलता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर भी प्रेफर करूँगा कि आप जेनेरिक नेम की तरफ जाएँ जो हर जगह चल जाता है।
मिसाल के तौर पे अगर आप कोई भी जेनेरिक नेम चूज कर लेते हैं, आप कल को नीच चेंज भी करते हैं ना, तो आपको उसके लिए बेनिफिशियल है, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको कल को अपने डोमेन का नेम नहीं चेंज करना पड़ेगा, आपको न्यू डोमेन नहीं परचेज करनी पड़ेगी, आपका जेनेरिक नाम आप नीच चेंज भी कर लेंगे तो उस पर भी चलता रहेगा। तो स्टार्ट बाई चूजिंग अ यूनिक एंड रेलेवेंट डोमेन नेम फॉर योर वेबसाइट। आइडली योर डोमेन नेम शुड रिफ्लेक्ट योर नीच, बी इजी टू रिमेंबर। कंसिडर यूजिंग अ कीवर्ड रिलेटेड टू योर नीच फॉर बेटर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एस यू बेनिफिट। कीवर्ड जो होते हैं ना, बड़ा बहुत मैटर करते हैं। नाम जेनेरिक होगा ना आप लोगों के डोमेन का, तो वो इजिली रैंक हो जाता है। तो आप ना इन चीज़ों को ज़रा अच्छे तरीके से फोकस करेंगे कि आपने जो नाम रखे ना अपने डोमेन का, तो वो कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा जेनेरिक हो सके उतना ज़्यादा लेके चलना है। अच्छा, नाम सर्च करने के लिए आप क्या करें? आपने मिसाल के तौर पर आपके माइंड में कुछ आइडियाज हैं, तो आपने डोमेन लेना है, आप उसका नाम सर्च करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिधर से आप डोमेन परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हॉस्टिंगर एक वेबसाइट है, एक ब्लू होस्ट वेबसाइट है, इसी तरह ये एक वेबसाइट है नेमचीप के नाम से। तो वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे मैंने आपको बताया हॉस्टिंगर हो गई, ब्लू होस्ट हो गई, और भी बहुत सारी हैं जिधर से आप डोमेन परचेज कर सकते हैं, डोमेन का नेम ले सकते हैं। तो लेकिन एज अ न्यूबी, एज अ न्यू वॉलेंटियर, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप नेमचीप की तरफ ही जाएं, क्योंकि रिलायबल भी है, चीप भी है। लेट्स सपोज कि मैं अब कुछ स्टोर बना रहा हूँ, तो मैं जेनेरिक की तरफ जाता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक नाम चूज करता हूँ एच के वेंचर्स, तो मैं इस पर सर्च कर लेता हूँ कि भाई मुझे इस नाम पर डोमेन मिलता है या नहीं मिलता। तो ये ना एच के वेंचर्स के आगे रिसर्च, इसमें नाम अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग कर लेते हैं एच के वेंचर्स टू, सॉरी वेंचर्स स्टोर डॉट कॉम। अच्छा, ये इधर अवेलेबल भी है, और मज़े की बात है कि ये बहुत मतलब थोड़ी सी प्राइस में बहुत चीप रेट पे आपके पास इधर अवेलेबल है। तो अच्छा, अब इसमें ना स्टोर के दो बेनिफिट्स आ गए, हम लोगों ने जिसका नाम रखा है एच के वेंचर स्टोर, तो इसमें ना हमें दो बेनिफिट्स मिल जाते हैं। किस तरह से? एक तो आप स्टोर जो वर्ड है ये भी जेनेरिक वर्ड है आपका, वेंचर्स जो है ये भी जेनेरिक वर्ड है, तो इसमें आपको बेनिफिट क्या हो जाएगा कि आपके पास दो जेनेरिक वर्ड्स आ गए, आपकी इसके एस यू अच्छी हो सकेगी। स्टोर की वजह से खासतौर पर आपकी एस यू बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि स्टोर तो कोई भी हो सकता है, ग्रॉसरी स्टोर भी हो सकता है, क्लॉथिंग भी हो सकता है, कटलरी भी हो सकता है। तो ये जो है ना एच के वेंचर स्टोर, या अगर हम लोग जेनेरिक कोई भी वर्ड यूज कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए परफेक्ट वर्ड है रैंकिंग करने के लिए। रैंकिंग में भी काम आएगा, और हर टाइप की नीच भी हम इसके अंदर मतलब सेल कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कोई स्पेसिफिक नीच सेलेक्ट करें। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी टॉम्स हार्डवेयर की, तो उसमें हमारे लिए कंपलसरी है कि हम उसके ऊपर हार्डवेयर ही सेल कर सकते हैं, क्योंकि जिस भी बंदे ने नाम टाइप करना है, जिस भी बंदे ने उसका नाम पढ़ना है, उसने हार्डवेयर की गर्ज से ही आपकी साइट पर आना है। और अगर आप आगे हार्डवेयर नहीं बेच रहे, आप आगे ब्यूटी नीच के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो वह आपसे कभी भी नहीं लेगा, क्योंकि वो तो ले नहीं आपसे हार्डवेयर आया था। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास आता है जी सिलेक्ट अ वेब होस्टिंग प्रोवाइडर। अच्छा, वेब होस्टिंग ये भी एक चीज़ है, इसमें कैसे होता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा प्लेस होता है, ऐसी सोर्स होती है जहाँ आपकी वेबसाइटें लिस्ट होना होता है। अच्छा, इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये क्लाउड स्टोरेज होती है। क्लाउड स्टोरेज क्या होती है? जिस तरह आपका एक लैपटॉप है, आपका पीसी, आपका मोबाइल डिवाइस है, उसकी एक इंटरनल मेमोरी होती है, जिसे हार्डवेयर या हार्ड स्टोरेज कहते हैं। तो आपका जो सारा डाटा होता है उसके अंदर जाके स्टोर होना होता है। तो इसी तरह ये आपकी वेबसाइट के, आप कह सकते हैं कि स्टोरेज प्लेस है जहां आपकी वेबसाइट का जितना भी डाटा है ना, वो सारा इधर ही स्टोर होना है। तो ये क्लाउड के तौर पे काम करता है। अच्छा, इसकी भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि मतलब अगर आपने ये परचेज करना है, तो उसके लिए भी बेस्ट जगह नेमचीप ही है। इसमें आप होस्टिंग प्रोवाइडर आप सिलेक्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, सिलेक्ट अ लेवल वेब होस्टिंग प्रोवाइडर टू होस्ट योर वेबसाइट। लुक फॉर होस्टिंग कंपनीज दैट ऑफर गुड
uptime, fast landing times, and excellent customer support. Share hosting as a cost-effective option for beginners. कोई बात की बिगनर्स के लिए शेयर्ड होस्टिंग जो है वो बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वो सस्ती भी पड़ जाती है। अब हम लोग नेमचिप पे देख लेते हैं शेयर्ड होस्टिंग, तो इसके क्या प्राइसेस हैं, क्या रेट्स हैं। तो इसके अंदर अगर हम लोग देख लेते हैं तो हमारे पास जो आ रहा है 1.98 पर मंथ, ये तकरीबन पाकिस्तानी बन जाते हैं ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 600 रुपया भी नहीं बनता। अगर हम लोग इसे सालाना करें 6,000 तकरीबन 7,000-8,000 रुपया बनता है, 7,200 रुपया तकरीबन बनता है। तो न्यूबीज के लिए यही ठीक है कि वो मतलब मिनिमम कॉस्ट से स्टार्ट करें, उसके बाद जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ रही है, आपको ज़्यादा क्लाउड स्टोरेज की जरूरत पड़ रही है तो आप उसकी तरफ। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। इससे अगला है चूज ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट से। अच्छा, CMS जो है ना, ये बड़ी टेक्निकल एक चीज़ है पर आसान भी है। CMS कहते हैं ये आपके जो वेबसाइट है उसका मेन मैनेजमेंट चैनल होता है। मेन मैनेजमेंट चैनल से मुराद ये कि जो आपकी वेबसाइट को होस्ट कर रहा होता है, आपकी वेबसाइट को होस्ट करने में हेल्प कर रहा होता है। कंसीडर यूजिंग यूजर फ्रेंडली CMS टू बिल्ड एंड मैनेज योर वेबसाइट। WordPress इज अ मोस्ट पॉपुलर वाइडली यूज्ड CMS फॉर एफिलिएट वेबसाइट्स ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, ईज ऑफ यूज, फास्ट प्लगइन इकोसिस्टम। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे जो हैं CMS हैं, सर मजेंटो है, Shopify है, WordPress है, तो लेकिन मोस्ट प्रेफर्ड है, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और आसान है, वो आपको मैं बता दूँ चलूँ कि WordPress है। अच्छा, WordPress को यूज़ करने का तरीकाकार ये होता है कि आप जिस टाइम अपना डोमेन परचेज करेंगे, अपना होस्ट परचेज करेंगे, आपको उसी टाइम ऑप्शन आ जाएगा कि आपने कौन सा जो है CMS यूज़ करना है, तो आप उसे से WordPress जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इंस्टॉल एंड कस्टमाइज WordPress। इंस्टॉल WordPress ऑन योर वेब होस्टिंग अकाउंट एंड बिगिन कस्टमाइजिंग योर वेबसाइट। चूज अ सुटेबल थीम दैट अलाइंस विद योर नीच एंड प्रोवाइड द डिजाइन एंड लेआउट यू डिजायर। कस्टमाइज द वेबसाइट अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर्स टू क्रिएट ब्रांच एंड अपीलिंग लुक। अच्छा, वो कहते हैं कि आप WordPress को इंस्टॉल करें क्योंकि ये बिगनर्स के लिए, मैंने आपको पहले बताया कि अच्छी चीज़ है और ईज़ टू यूज़ है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा जतन करने की मुश्किल नहीं आपको पेश आएंगे, कुछ ज़्यादा आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। तो आपने WordPress को यूज़ करते हो अपनी जो वेबसाइट है उसे कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज़ का मतलब उसे थीम देना है, उसमें प्लगइन्स बटन्स ऐड करने हैं आपने, मतलब उसको सारी जैसे कहते हैं मैनेज करना है, मैनेजमेंट करना है उसकी, आपने सारी जो है WordPress के थ्रू भी करनी है। और आपने इसी तरह अपनी नीश जो सी है, नीश को अगर आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं एक नीश की, तो आपने उसे अलाइन करना है उसके अंदर। अगर आपके पास डिफरेंट नीशेज हैं तो आपने हर नीश की अलाइनमेंट अलग से करनी है, अलग से उनके जो सी हैं कैटेगरीज बना देनी है। जिस तरह आप अक्सर वेबसाइट्स पे जाते हैं, कोई स्टोर हो, जिस तरह आप एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पाकिस्तान में एक नवीन स्टोर है, नवीन स्टोर पे आप लिखेंगे तो वहाँ की कैटेगरीज बनी होती हैं कि इसमें मेडिसिन हैं, ये होम एंड किचन के प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर एसेसरीज हैं, मोबाइल एसेसरीज हैं, इसके अंदर प्ले जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो चीज़ें हैं। तो आपने अपनी नीश से रिलेटेड उसके अंदर प्रोडक्ट्स बना लेने हैं, फिर आपने उसका डिज़ाइन जो उनसे है ना, डिज़ाइन बहुत ही कैची किस्म का बनाना है। कैची से मुराद ये कि आपने अपना डिज़ाइन ऐसा बनाना है कि जिस पे जो अपीलिंग किस्म का हो, ये मतलब कस्टमर गया है उससे वो चीज़ पसंद आए, उसे लगे कि हाँ यार, मतलब वो उस चीज़ में इंटरेस्ट ले, उसकी आईज को, एक होता है ना कि हम लोग बहुत शो कलर दे देते हैं, या हम लोग कोई इस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं कस्टमर यूज़ करने करते वक्त ना वो करता है कि यार बस कंफर्टेबल नहीं है ये चीज़। तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि अच्छी अच्छा कलर कम्बिनेशन दें, अच्छे डिज़ाइन बनाएं ताकि कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, उसकी अपीयरेंस जो सी है, उसका स्ट्रक्चर या उसकी जो भी आप ब्रांचेस बना रहे हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाते हैं तो ऊपर से ड्रॉप डाउन मेन्यूज होते हैं जो फीडबैक का, एंड में फीडबैक का आ रहा होता है, कॉन्टैक्ट अस का आ रहा होता है, ये जो चीज़ें आपने सारे बटन उन्हें अवे करके देने हैं ताकि आपका कस्टमर वहाँ आए तो उसे हर चीज़ उधर ही बैठे प्रोवाइड हो, हर चीज़ उसे मिल रही हो, तो ही वो कम्फर्टेबल फील करेगा। अच्छा, इसके अंदर ना और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। ऑप्शन किस तरह से हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप वेबसाइट खुद बनाएं, आप 2,000-5,000 में वेबसाइट बन जाती है, डोमेन का आपसे लेते हैं जो भी आपके डोमेन का खर्चा होता है, जो फीस होती है गूगल की या डोमेन की जो फीस होती है सॉरी वो आपसे लेते हैं, या उसके ऊपर 1,000-2,000 रुपया लेके आपसे आपको एक वेल मैनेज जो है वो एक
वेबसाइट बना रखे होते हैं, या मोस्टली आप उसे खुद भी बना सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। आप वर्डप्रेस को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं उसे इंस्टॉल करके, क्योंकि इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर आप खुद करना चाहें तो यूट्यूब से आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे कि आप वर्डप्रेस किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर जो बैनर्स लगाने हैं, जो पोस्टर्स लगाने हैं, जो उसके ग्राफिक्स डिज़ाइन लगाने हैं, थीम वगैरह के, वो आप खुद उधर बनाना गूगल पे सीख सकते हैं। इस लेक्चर के एंड में आपको ग्राफिक्स रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी इंशाल्लाह। आपको ग्राफिक्स लोगोज बनाना और बैनर्स बनाना, पोस्ट बनाना, हर चीज़ आपको एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर पे टोटल कोर्स आपको दिया जाएगा। आप वो भी देख सकते हैं अगर आप वेट करें, नहीं तो आप गूगल पे देख सकते हैं कि आप, या आप किसी से लो कॉस्ट पे बना देते हो क्या, किसी से बनवा सकते हैं। अगर आप चाहें कि भाई आप नहीं बना सकते तो आप किसी से बनवा भी सकते हैं, ये इतना मुश्किल काम नहीं होता मेरे नज़दीक, तो इतना मुश्किल काम नहीं है, तो बंदा खुद भी कर लेता है। वेबसाइट अगर आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं कि भाई किस तरह से वर्डप्रेस को कस्टमाइज किया जाता है, वो आपको बड़े आसान तरीके से बता देते होते हैं डिफरेंट। अच्छा, तो इसमें फिर वही बात है कि अगर आप खुद डिज़ाइन करना चाहें तो आप कोई भी 40-50 मिनट की यूट्यूब की वीडियो देकर आप उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूँकि आपका ये बिज़नेस है, इसमें और बिज़नेस में हमारी कोशिश होती है कि हम लोग कुछ भी कोई भी 0% रिस्क ले, अपनी तरफ से रिस्क जो है उसे मिनिमम करें। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप किसी प्रोफेशनल, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं इसके डिज़ाइन के अंदर जो है वो प्रोफेशनल बंदे से आप बनवाएंगे, तो आपसे ये है कि थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप इस चैनल की तरफ जाना चाह रहे हैं, यानी आप वेबसाइट की तरफ आना चाह रहे हैं, आप प्योर फनल यूज़ करते हैं, तो उसको वो आपको बाद में बताया जाएगा। और फ्री फनल्स भी हैं, वेबसाइट जो मेन प्रोफेशनल जो है ना, तो इसलिए आपको बताया जा रहा है इनिशियल में, स्टार्टिंग में भी आप इसलिए इसी लेक्चर में आपको पढ़ा दिए, बाकी चीज़ें आगे जाकर पढ़ाई जाएंगी। अगर आप इस चैनल की तरफ आ रहे हैं, इस फनल की तरफ आ रहे हैं, तो फिर मेरा गेस्ट यही है, मेरा एक रिकमेंडेशन यही है कि आप किसी प्रोफेशनल बंदे से वो करें कि वो आपको एक वेबसाइट बना के दे। हाँ, अगर आप कुछ भी बनाना चाहें तो पहले बिल्कुल इसमें बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्रिएट इम्पॉर्टेंट पेजेस, सेटअप इसेंशियल पेजेस दैट प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू योर वेरियस। दीज में इंक्लूड एन अबाउट पेज टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अ कॉन्टैक्ट पेज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद योर ऑडियंस, एंड अ प्राइवेसी पॉलिसी पेज टू इन्फॉर्म विजिटर्स अबाउट डाटा कलेक्शन एंड यूसेज। अच्छा, इसमें वो ये कहते हैं कि आपने जो है ना अपनी वेबसाइट बनानी, उसके अंदर इंपॉर्टेंट पेजेस लाजमी बनाने हैं, जितने ज़्यादा बनाए कस्टमर की इसके लिए वो अच्छा है। लेकिन ये 3-4 चीज़ें इन्होंने बताई हुई है कि जैसे अबाउट पेज है, अबाउट पेज आपने लाजमी बताना है, आपने अपनी वेबसाइट का उसके अंदर पूरा बताना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरह से होती हैं, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ क्या है, मतलब हम किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सेल आउट कर रहे हैं, और क्या क्या हमारे तरीक़ाकार हैं, मामला कैसे हैं, कब स्टेबल हुई हमारा ब्रांड, कब स्टेबल इस्टेब्लिश हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग अबाउट में बताते हैं। इस तरह हम लोग किसी भी वेबसाइट पे चले जाएँ, उसमें अबाउट सेक्शन होता है, इसी तरह कॉन्टैक्टर्स का होता है, जिसके अंदर हम लोग कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो उसमें हमारे पास नंबर भी आ जाता है, उसमें हमारे पास मेल भी आ जाती है, लीव अ मैसेज का ऑप्शन भी आ जाता है, और डिफरेंट हर वेबसाइट पर अपने अलग से बनाया होता है। तो कॉन्टैक्ट पेज भी ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि ऑडियंस आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह सकती है, अगर कोई प्रोडक्ट वो आपसे लेना चाहे या कोई उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहे, और मतलब वो आपको टेक्स्ट करके या आपसे कॉन्टैक्ट करके वो करना चाहे मामला, तो उसके लिए वो ईजी रहें, फैसिलिटी उन्हें मिलती रहे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो वो है जी कॉन्टेंट पेज, स्टार्ट द क्रिएटिंग हाई क्वालिटी वैल्यूएबल एंड रिलेवेंट कॉन्टेंट रिलेटेड टू योर नीश। दिस कॉन्टेंट कैन टेक द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स, ब्लॉग पोस्ट, प्रोडक्ट रिव्यूज, स्टोरीज, कंपैरिजन आर्टिकल्स, वीडियोस और पॉडकास्ट, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू योर ऑडियंस प्रॉब्लम बट ऑफरिंग जेन्युइन रिकमेंडेशन। अच्छा, आपको अगर करना क्या है, आप लोग मिसाल के तौर पे अपना एक आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने ऑडियंस के जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व करने की तरफ आपने आना है। अपने जो भी आप ब्लॉग लिख रहे हैं, जो भी वीडियो बना रहे हैं, आप कोशिश करें आप वीडियो कॉन्टेंट बनाए। आजकल तो AI का ज़माना है, तो AI से बड़ी ईजिली वीडियोज़ बन जाती हैं, वरना आप 200-500 दे के किसी आप जो है से बनवा भी सकते हैं, तो ज़्यादा अमाउंट नहीं है ये। लेकिन आप चाहे कुछ बना सकते हैं, आप पोस्ट बना सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं कैसे करते हैं, हल्के फुल्के सीख के खुद कर सकते हैं, आप बनवा सकते हैं किसी से। आप लोगों ने ऐसी वीडियो या ऐसी पोस्ट बनानी है जो अपीलिंग हो, आपके कस्टमर को कैच करे। अगर आप एक ब्लॉग लिख रहे हैं तो आपने उसके अंदर बताना है कि हाँ जी हमारा
प्रोडक्ट है, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, ये शाइनी है, शाइनी मेटल है, इसे आप जितना मर्जी यूज़ कर लें, इसकी शाइनी खत्म होगी, स्क्रैचेस नहीं आएंगे, आपने अपने बेनिफिट्स बता देने हैं। या कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो आपने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट के साथ सेम प्रोडक्ट किसी और कंपनी की उठा लेनी है जो आपसे थोड़ी लो क्वालिटी की, आपके प्रोडक्ट्स थोड़ी लो क्वालिटी की, उनका दोनों का कंपेरिजन कर लेना है कि यही हमारे वाले के प्रॉज है और ये इस नॉर्मल ऑर्डनरी जो प्रोडक्ट है इसके कॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कंपैरिजन हो गया आपका, और ब्लॉग लिखना है, ब्लॉग भी आपने लिख लिया। अच्छा, आपने क्या करना है, अपने कस्टमर को जो उनसा है उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देना है। देखें, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है और मैं कोई प्रोडक्ट देखता हूँ कि यार मुझे ये मसला डेली पेश आता है, और मैंने एक वेबसाइट पर देखा, मैंने फलानी जगह पर देखा कि भाई मुझे इस मसले का हल मिल रहा है, तो मैं तो उस चीज़ को परचेज करूँगा ही करूँगा ना। मिसाल के तौर पे कोई भी लेडी है किचन में वर्किंग कर रही है, तो वुमेन किचन की नीश से मैं रिलेटेड एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो किचन में कर रही है, उधर हीट हो गई, हीट इकट्ठी हो गई किचन के अंदर, या धुआं इकट्ठा हो गया, स्मोक हो गया, पर वो औरत जो सी है वो खांस रही है। आपने अपनी वीडियो में ये चीज़ क्यों करनी है, आप लोगों ने एक वीडियो बनानी है ना, बड़ी क्रिएटिव किस्म की वीडियो बनानी है। अच्छा, वो खांस रही है या वो बाहर जा रही किचन से कि अच्छा धुआं कम हो या हीट कम हो तो मैं फिर जाती हूँ। आपने अपनी वीडियो इस तरह की बनानी है कि हाँ जी ये आपका मसला था, लेकिन हम लोग आपका मसला सॉल्व करने अभी तरह हैं, हम आपका मसला कैसे सॉल्व करेंगे। आपने फिर अपना साथी अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा दिया कि जी ये हमारा एक प्रोडक्ट है, ये हमारा एग्जॉस्ट फैन है, इसके ये बेनिफिट्स हैं। आपने बता देना जी ये कम बिजली पर चलता है, उसके बाद इसकी स्पीड फास्ट है, साउंडलेस है, उसके आपने जितनी आप हो सके आप उसकी वो प्रॉस बताएं, और फिर बताएं कि एट द एंड आपका जो इशू है हीट इकट्ठी हो जाती है आपके किचन में, का टेम्परेचर बढ़ जाता है या स्मोक इकट्ठा हो जाता है, वो चीज़ आपके किचन से ख़त्म हो जाएगी। उसमें क्या होगा कि कोई भी लेडी देखेगी जिसके साथ ये मसला आ रहा हो, कहेगी हाँ इस तरह तो होता है, और जिस टाइम वो एड में देखेगी अच्छा इस सब मसलों का एक सोल्यूशन है कि मैं इधर एग्जॉस्ट लगवा लूँ, और ये एग्जॉस्ट इसका बिजली का बिल भी कम है, लेस पावर कंजम्पशन है। या मिसाल के तौर पर आपके पास बैटरी पर चलने वाला है, उसके पास छोटी छोटी बैटरी है जो लाइट गई भी काम कर सकता, तो वो उस चीज़ पर भी करेगी कि यार हाँ लाइट चली गई तो मैं तब भी किचन में इजीली वर्क कर सकती हूँ, इसी तरह स्मोक निकल जाएगा मेरा, और वो उस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव वे में लेके उसके ऊपर उसे परचेज करेगी। 99% उसका ये होगा कि यार हाँ ये प्रोडक्ट तो बनी मेरे लिए, मैं इसे खरीद लेती हूँ। तो आप लोगों ने जो कॉन्टेंट बनाना है ना कैची टाइप का हो, जो कस्टमर की अट्रैक्शन अटेंशन को कैच करके उसे मजबूत कर दे, के अपील कर दे, उसे अपीलिंग किस्म का हो कि भाई मैंने ये चीज परचेज करनी ही करनी है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास SEO ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी ऑप्टिमाइज योर कंटेंट एंड वेबसाइट फॉर सर्च इंजन टू इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक, perform keywords research to identify relevant keywords to target within your content, use SEO best practices such as incorporating keywords naturally, writing compiling meta description and building quality backlinks. अच्छा, most of you जो है काफ़ी सारे लोग आप लोगों में से यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते होंगे या ये चीज़ें देखते होंगे, SEO का आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि एक वेबसाइट की SEO क्या होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब कि आपके वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक कैसे आएगी, कैसे मुराद ये कि कोई भी वर्ड कीवर्ड सर्च करता है तो सबसे ऊपर आपकी वेबसाइट आनी चाहिए। आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो एक वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे आ जाती है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाता है नेक्स्ट पेज। तो ये चीज़ डिपेंड करती होती है SEO पे, आपका जो वर्ड सिलेक्शन है, आप लोगों ने किस तरह कीवर्ड्स यूज़ किया। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जेनेरिक कीवर्ड्स यूज़ करने हैं अपनी SEO के अंदर, सारी जो चीज़ें हैं वो आपने जेनेरिक लेके चले, आप बैकलिंक बैकवर्ड्स यूज़ करें उन्हें, कि भाई आपने हर किस्म का वर्ड डाले। मिसाल के तौर पे आप नाइफिक सेल आउट कर रहे हैं तो आपने अपने जो भी ब्लॉग लिख रहे हैं या आपने जो भी टैग्स डाले हैं, जिस तरह आप यूट्यूब पे या पोस्ट में टैग डालते होते हैं, आपने कोई भी टैग्स डाले हैं, आपने उसके अंदर कस्टमाइज नाइफ पे लिख दिया, आपने उसके अंदर किचन नाइफ पे लिख दिया, आपने ईजी टू यूज़ नाइफ पे लिखे, मतलब इस तरह के आपने वर्ड्स यूज़ करने हैं ताकि कोई भी बंदा कोई भी इसमें से कैटेगरी चूज करे ना, कोई भी बंदा इस चीज़ पे आने की कोशिश करे, कुछ भी लिखे, तो सबसे ऊपर ऊपर आपकी वेबसाइट आनी चाहिए कि हाँ भाई जो चीज़ ये बंदा सर्च कर रहा है उसका आंसर या उसका रिजल्ट जो है गूगल को पता हो
वो इस वेबसाइट के अंदर है, ये चीज़ इस वेबसाइट के अंदर लिखी हुई है। SEO जो होते हैं ना, एक बहुत मेन चीज़ होती है, और ये अच्छा इसका कोर्स जो है ना SEO कोर्स प्रॉपर, ये SEO करने का तरीकाकार ये फुल डिटेल में आप गूगल से देख सकते हैं यूट्यूब पे ना, ये SEO का है। और इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इसका भी आपको प्रॉपर एक कोर्स देंगे, जैसे हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स एक प्रॉपर दे रहे हैं, वरना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे वर्क करती है। हम लोग एक प्रॉपर कोर्स दे रहे हैं जिसके अंदर आपको हमारी कोशिश है कि हम आपको स्पून फीडिंग करें, एक चीज़ आपको सिखाएं। इसी तरह इंशाल्लाह आपको SEO का कोर्स भी मिलेगा, तो लेकिन तब तक के लिए आप SEO की वीडियो देख सकते हैं। अक्सर वेबसाइट पे, अक्सर चैनल्स पे आपको कोर्स भी प्रॉपर मिल जाएंगे, तो आप समझना चाहें आप उधर से भी समझ सकते हैं कि कीवर्ड्स को कैसे यूज़ किया जाता है, कौन से प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ किया जाता है। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज़ याद आई कि गूगल कीवर्ड्स जो से हैं, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स आप किस तरह देख सकते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था गूगल ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, और हम लोगों ने उसके लिए एक वेबसाइट का भी पढ़ा था गूगल ट्रेंड्स का, मैंने आपको बताया था। आज हम लोग देख लेते हैं कि वो वर्क कैसे करते हैं, मैंने आपको कहा था प्रैक्टिकली आपको बताएंगे। अच्छा, आपने गूगल पे सिंपली जाकर जो है ना गूगल लिखना है, गूगल ट्रेंड्स लिखना है, जो पहली वेबसाइट आएगी आपने उसे ओपन कर लेना है। आपने जैसे अपनी लोकेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आप किस कंट्री में, किस इलाके में, किस एरिया में आप ट्रेंडिंग देखना चाह रहे हैं, कि क्या चीज़ ट्रेंडिंग पे चल रही है। मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं नाइफ, अब उनके पास आ गया जी, अब हमारे कीवर्ड्स कौन से आ गए, एक जनरल नाइफ है, उसके बाद आ जाते हैं नाइफ, ये आ गई यूटिलिटी नाइफ, उसके बाद कहते हैं नाइफ सेट, सेंटुकु नाइफ, उसके बाद इलेक्ट्रिक नाइफ। मतलब आपके पास इसमें से ये सारे कीवर्ड्स हैं जो USA में एक नाइफ को सर्च करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग अगर स्पून देख लेते हैं, स्पून आ गया, स्पून फ्लावर हो गया, मैरिंग स्पून हो गया, उसके बाद स्पून रेस्ट हो गया। तो ये इस तरह के कीवर्ड्स हैं जो आपको आपके इलाके में बता देगा कि भई आपके, आपने जो फलाना इलाका सेलेक्ट किया हुआ है उस इलाके में कौन से कीवर्ड कितने ज़्यादा, या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, लोग क्या क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं। तो आप लोग जो है गूगल ट्रेंड्स को यूज़ करके अपना कीवर्ड सिलेक्शन भी कर सकते हैं, उसके बाद अपने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। जिस टाइम आप नीश सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे यूनाइटेड स्टेट पास्ट डेज ऑल कैटेगरीज, ये आपने जैसे सारी देख लेने, अपने मामला सेलेक्ट कर लेने। अब आप ये देखें कि आपने इसकी डिटेल खोली ना, अब एक स्पून है, ये हम लोगों ने लिखा सर्च आइटम स्पून, और एरिया हमारा यूनाइटेड स्टेट पास्ट डेज। अच्छा, पास्ट डे में क्या चीज़, कल के दिन की सारी बात है कि कल के दिन क्या क्या चीज़ें, कितनी दफ़ा सर्च हुआ है। अभी देख लें, इन्होंने नीचे टाइम दिया हुआ है 28 अगस्त का, कि ये जी 11:40 पे 59 लोगों ने सर्च किया। उसके बाद आप देख लेते हैं जी 12:20 पे 82 लोगों ने सर्च किया। इसी तरह ये एक टाइम है यहाँ जी 2:28 पे 16 लोगों ने सर्च किया। मतलब आप अपना कोई भी प्रोडक्ट दे सकते हैं कि किसकी क्या ट्रेंड है, कौन कितनी ज़्यादा सर्चिंग हो रही है, और उसके कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ करके उस चीज़ को सर्च किया जा रहा है। तो गूगल ट्रेंड्स एक फ्री ऑफ कॉस्ट और एक बहुत अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको कहाँ कहाँ से और कितनी रेशियो के साथ, या पर और या पर डे कितने लोग उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने इंटरेस्ट बाय सबरिंग रीजन बताया हुआ है, तो ये अब आप देख सकते हैं कि कौन से रीजन के अंदर कितने लोगों ने कब सर्च किया, आपको सर्च इंटरेस्ट बता रहे हैं क्या चीज़ किस एरिया से कितनी दफ़ा लोगों ने सर्च किया या कितने लोगों ने सर्च किया। तो वापस आ जाते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं, प्रमोशन एंड ऑडियंस बिल्डिंग। प्रमोट योर वेबसाइट एंड कॉन्टैक्ट थ्रू वेरियस चैनल्स सच एज सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन कम्युनिटीज रिलेटेड टू योर नीश। Engage your audience and build relationship faster, trust and loyalty. अच्छा, फिर आपने अपनी वेबसाइट को प्रमोट कैसे करना है? प्रमोट आपको अगर अपनी वेबसाइट पर सही से करना है, मिसाल के तौर पर आपके पास फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर उस नीच से रिलेटेड, उस आपके टारगेटेड डिज़ायर्ड एरिया से रिलेटेड आपके पास लोग हैं, आपके पास कस्टमर्स हैं, उनकी ऑडियंस है, तो आपने क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट का लिंक उधर शेयर करना है। या फिर इसका जो एक बड़ा सा तरीका होता है कि आपने तो भी देखा होगा, हमारे क्रिकेटर्स होते हैं या फिल्म स्टार्स होते हैं, वो अक्सर किसी प्रमोट कर रहे होते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे
कोई एक्टर आ जाता है, वो प्यून बाइल का एक आपको दे रहा होता है, इश्तिहार दे रहा होता है, ऐड दे रहा होता है, तो इट डजेंट मीन्स कि वो बंदा खुद भी प्यून बाइल यूज कर रहा है, वो सिर्फ एक प्रमोट कर रहा है एक चीज को। तो आप कोई वेल ग्रोन चैनल आपका किसी दोस्त का है, किसी जानने वाले का है, या आप अगर अफोर्ड करते हैं कि भाई मैं किसी सेलिब्रिटी के थ्रू, आप उन्हें भी हायर कर सकते हैं, आप उन्हें पे आउट करके, पे करके आप अपने चैनल का, अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करवा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब एक वर्थी बंदा या एक जिसके पास ऑडियंस अच्छी है, वो बंदा आपके चैनल का, आपकी वेबसाइट का नाम या लिंक शेयर करता है ना, तो बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई ये हमारा फेवरेट बंदा है, हमारा फेवरेट क्रिकेटर है, इसलिए ये चीज़ हमें रिकमेंड किया, तो हम देखें ये क्या चीज़ है, उससे आपकी ऑडियंस ग्रो होती है। अच्छा, तो उसके बाद है मॉनिटर एनालिटिक्स। इंस्टॉल वेबसाइट एनालिटिक्स टूल सच एज गूगल एनालिटिक्स टू ट्रैक योर वेबसाइट परफॉर्मेंस, एनालाइज मेट्रिसेस लाइक वेबसाइट ट्रैफिक, कन्वर्जन रेट्स एंड यूजर बिहेवियर टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड टू ऑप्टिमाइज योर एफिलिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि एनालिटिक्स को ना साथ साथ मॉनिटर करते रहना है। एनालिटिक्स मीन्स कि आप लोगों ने देखते रहना है कि आपके मामला किस तरीके से चल रहे हैं, आपका कौन सा प्रोडक्ट कितनी सेल लेके आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं सेल ला रहा, किस सेल पे कितनी कन्वर्जन, किस स्ट्रेटजी पे, मिसाल के तौर पर आपने पोस्ट लगाई है किसी नई स्ट्रेटजी के साथ, तो उस पर क्या कन्वर्जन आई हैं, जो आप पुराना तरीका इस्तेमाल कर रहे थे उस पर क्या कन्वर्जन आ रही हैं, आपने ये चीज़ें देखते रहना है कि आपके लिए बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है, बेहतरीन प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो आपने क्या एक टूल है गूगल एनालिटिक्स ना, तो गूगल एनालिटिक्स टूल है इसको, या इस तरह के मज़ीद टूल आपको गूगल पे मिल जाएंगे, पेड भी होंगे नॉन पेड भी होंगे। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को यूज़ करते हुए ना अपने एनालिटिक्स देखते रहना है कि मुझे क्या चीज़ बेनिफिशियल है मेरे लिए, कर तो हम लोग बिजनेस रहे हैं ना, तो म्यूचुअल से हम लोगों ने कम अर्न तो मनी करना है, तो हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेटर है, कौन सा हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें बेटर कन्वर्जेंस लेके आ रहा है। आप एनालिटिक्स देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि हाँ जी ये प्रोडक्ट मेरा ज़्यादा सेलिंग है, ये प्रोडक्ट मेरा कम सेलिंग है, और ये जो सा है मेरा डेड आइटम है। तो उसमें आप लोगों ने करना क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट डेड आइटम है या जो आपकी चीज़ नहीं बिक रही, कम बिक रही है, तो आपने उसे स्किप आउट कर देना है। उसका रीज़न ये है कि आप अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें, आपने बिजनेस करना है, आप जो मेहनत आप एक डेड आइटम पे कर रहे हैं, जो चीज़ आपकी बिकी नहीं रही, आप वही एनर्जी किसी अच्छे प्रोडक्ट पे करेंगे जो आपका सेल हो रहा है, तो आप मजीद उसके अंदर कन्वर्जेंस ला सकते हैं। इस चीज़ को आपने जो उनसे है ना मद्देनजर रखना है कि आपने अपने एनालिटिक्स जो उनसे अपनी वेबसाइट के, अपने या कोई भी फेसबुक फनल या कोई भी फनल यूज़ कर रहे हैं, आपने अपने फनल के एनालिटिक्स को बार बार, जैसे कहते हैं ना, मॉनिटर करते रहना है, देखते रहना है कि आप किस चीज़ में फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके बाद अगला देख लेते हैं हम लोग, तो है वो जी स्टे अपडेटिंग अपडेटेड एंड इवॉल्व, कीप अप विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स, एल्गोरिथम चेंजेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एफिलिएट मार्केटिंग, कंटिन्यूसली अपडेट एंड इंप्रूव योर वेबसाइट एंड कंटेंट टू स्टे रेलेवेंट एंड कॉम्पिटिटिव इन एवर चेंजिंग डिजिटल लैंडस्केप। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में, या किसी भी मुल्क में ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। ट्रेंड आज एक ट्रेंड चल रहा है, कल दूसरा ट्रेंड चलने लग जाएगा, तो लोगों की जो सी प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज होती हैं टाइम के साथ साथ, उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं, लोग इवॉल्व कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं। सर, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी, iPhone 7 था उस टाइम ट्रेंडिंग पे था, 7 लोग ले रहे थे, खरीद रहे थे, खत्म हो गया, 8 आया, जिस टाइम उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई, 8 पे आ गए। आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के साथ अपडेटेड रहना है, अपने डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस में नहीं कहूँगा क्योंकि वो बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, आपने वीकली बेसिस पे अपनी वेबसाइट को चेक करना है, आपने एनालिटिक्स भी देखते रहना है, आपको पता लग जाएगा कि हाँ जी कौन सी चीज़ की सेल कम हो रही है, और कौन सी चीज़, फिर आपने गूगल ट्रेंड्स पे जाके सर्च करके रहना है। गूगल ट्रेंड्स पे सर्च करने का आपको मैंने तरीका बता दिया, आप लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, आप लोगों को खुद समझ लग जाएगी। गूगल ट्रेंड्स पे आप लोगों ने प्रैक्टिकली जाकर सर्च करना है कि हाँ जी अब क्या चीज़ ट्रेंडिंग पे चल रही है, लोग क्या चीज़ डिमांड कर रहे हैं, आप उस चीज़ को अपनी वेबसाइट पर लेके आए, फिर अपने थीम्स को अपडेट करते रहें, अपनी पोस्ट को अपडेट करते रहें, जिस तरह की लोग चीज़ मांग रहे हैं, जिस तरह की लोगों की डिमांड है,
जो मतलब आप उन चीजों को आगे लेके आएंगे जो कस्टमर की डिमांड है, तो भी वो चीज सेल होगी। आप पुरानी चीजें लेके बैठे रहे, पुराने तरीके से पुरानी स्ट्रेटेजीज लगा के बैठे रहे, तो चीज कभी भी आपकी सेल नहीं होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी वेबसाइट के साथ अपडेट रहना है, कि बार बार उसके अंदर चेंजेस करते रहना है। जिस जिस तरह से लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो रही होगी, उनको आपने हर चीज चेंज करके देनी है। उसके बाद है जी, रिमेंबर दैट बिल्डिंग अ सक्सेसफुल एफिलिएट वेबसाइट टेक टाइम, एफर्ट एंड डेडिकेशन। फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू टू योर ऑडियंस, स्टडीइंग योर एक्सपर्टीज एंड जनरेटिंग योर वेबसाइट्स टू क्रिएट अ सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल एफिलिएट बिजनेस। अच्छा जी, इसमें बात ये आ गई कि जी आप लोगों को जो भी आप लोग वेबसाइट बना रहे हैं, डोमेन परचेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि आप लोगों ने वेबसाइट बनाई और आपके साथ ही ऑडियंस आने लग गई, आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो गया। नहीं, आपके किसी के साथ फ्रेंडशिप भी होती है ना, तो ट्रस्ट बिल्ड होते हैं उसके साथ, उसके हम राज बनते हैं, टाइम लगता है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इसी तरीके से आप लोगों ने कस्टमर्स के साथ जिस टाइम इंगेज होना, तो आपको उस चीज़ में टाइम लगना है। तो इसमें आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, आपका टाइम भी लगेगा, आपकी मेहनत भी लगेगी। आपको अक्सर ऐसा भी फील होगा कि यार मैं तो वेस्ट ऑफ टाइम करूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला का भी वादा है कि आप मेहनत करो तो आपको उसका रिवॉर्ड लाजमी, उसका फ्रूट जो है वो लाजमी मिलता है, चाहे लेट मिले, तो आपकी फट कभी ज़ाया नहीं जाती। और डेडिकेशन के साथ आपने उसमें लगे रहना है कि हाँ जी, एक दिन मेरी ये वेबसाइट एक बहुत, यार देखिए मैंने एक आपको एग्जाम्पल दी थी नवीद स्टोर पीके की, लोग नहीं जानते थे सेल, आज भी कम ही लोग जानते हैं, लेकिन एक टाइम था जब लोग नहीं जानते थे। मेरे ख्याल से इनकी जो है मंथली रेवेन्यू का होता था 15 से 20 हज़ार होता था। इस टाइम मोस्ट ऑफ पाकिस्तानी अभी भी नहीं जानते, क्योंकि हम लोग विंडो शॉपिंग है, इस टाइम शॉपिंग हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कम करते हैं। ग्रॉसरीज और इस टाइम चीज़ें हम लोग खुद जाके या फुट जाके या व्हीकल जाके हम लोग लेके आते हैं, हम लोग ऑनलाइन नहीं मंगवाते ये चीज़ें। लेकिन इस टाइम उनका जो रेवेन्यू है 2 से 3 साल में, वो लोग इस टाइम डेली की 8 से 10 लाख की सेल कर रहे हैं डेली की, और ये कम है। जैसे जैसे टाइम उनका इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे वो पुराने होते जाएंगे, उनका रेवेन्यू जो उनसे है वो बढ़ता जाएगा। तो हर चीज़ को टाइम लगता है, आप लोगों को एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, टाइम भी देना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ लगे रहना पड़ेगा। और उसी दौरान आपने अपने ऑडियंस के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है, क्योंकि रिलेशनशिप जो होता है हमेशा टाइम लगाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दी अपनी फ्रेंडशिप के बारे में भी, तो उसके बाद ही आप लोग एक सस्टेनेबल मीन्स के आप लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस कर सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस जो होता है वो हमेशा प्रॉफिटेबल होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होप सो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, आप उसका आंसर दे दिया जाएगा, या आपको Q&A सेक्शन में सारा कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इस कोर्स को, इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।